हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ में। और दोस्तों आज हमारे पास में रियलमी C3। जी हाँ दोस्तों, रियलमी C3 बैक साइड से मैंने आपको दिखाई दिया। चलिए एक बार आपको सेटिंग में चल के इसका एयरआउट फोन भी दिखा देते हैं। हालांकि हम इस फोन में पहले भी पबजी टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से एक टेस्ट करने वाले हैं। तो देख लीजिएगा, मेरे पास रियलमी C3 है। मैंने आपको बैक साइड से और फोन का एयरआउट फोन भी दिखा दिया है। कौन सा वेरियंट है तो वो भी आपको बता दूँ। मेरे पास ये 4GB रैम और वहीं 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ वाला वेरियंट है। चलिए पबजी को मैंने स्टार्ट कर लिया है, एक TDM मैच स्टार्ट कर दें और उसमें आपको दिखाते हैं फोन का जायरोस्कोप कैसा वर्क करने वाला है इतने टाइम बाद। हालांकि अभी ये फोन लगभग 1 साल पुराना हो चुका है, लगभग 10-11 महीने पुराना हो चुका है। तो उसके बाद मैं आपके लिए पबजी चैट फिर से लेकर आ चुका हूँ। आपको दिखाने वाले हैं जायरोस्कोप कैसा वर्क करने वाला है, क्योंकि भाई इस फोन का जायरोस्कोप थोड़ा डिले था। तो अभी जितने भी अपडेट इसमें आए हैं, पबजी में जो भी अपडेट आए हैं हमने कर लिए हैं। अभी पबजी अपडेटेड वर्जन है मेरे पास में, तो उसी का टेस्ट आपके लिए करने वाला हूँ। तो जायरोस्कोप देख लीजिएगा, जायरोस्कोप में अभी उतना सुधार नहीं आ पाया कि आप जायरोस्कोप काफ़ी अच्छे से यूज कर सको। हालांकि जायरोस्कोप उतना भी डिले नहीं है, लेकिन अगर आप एक जायरोस्कोप प्लेयर हो और काफ़ी अच्छे से जायरोस्कोप यूज करना जानते हो तो आपके लिए इसमें जायरोस्कोप डिले है। अगर जायरोस्कोप आप यूज नहीं करते हो, सिर्फ नॉर्मली यूज करके देखना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपका उतना डिले भी नहीं लगेगा। तो भाई अगर ये कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होती तो अब तक ये ठीक हो चुकी होती। तो एक हार्डवेयर प्रॉब्लम है रियलमी C3 के अंदर, जायरोस्कोप इससे ज़्यादा ठीक नहीं हो सकता। हो सकता है किसी और अपडेट के बाद में थोड़ा बहुत ठीक हो जाए, लेकिन भाई मुझे नहीं लगता है बिल्कुल परफेक्ट इसका जायरोस्कोप हो पाएगा, क्योंकि भाई ये एक हार्डवेयर प्रॉब्लम है। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होती तो अब तक ठीक हो चुकी होती। चलिए जायरोस्कोप के बारे में मैंने आपको बताया दिया है। अगर बात करें परफॉर्मेंस, तो भाई परफॉर्मेंस तो मुझे अभी भी काफ़ी अच्छी मिल रही है। तो भाई 10-11 महीने बाद ये फोन कैसी परफॉर्मेंस आपको देने वाला, वही आगे आपको दिखाने वाला हूँ। आगे कोई लैग फ्रेमडॉप कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो वो भी सारी बात आपको बताकर जरूर जाने वाला हूँ। आपको यही बताऊँगा आपको ये फ़ोन नया लेना है नहीं लेना है। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि भाई 8,000 में 9,000 में ये फ़ोन बेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, अपने प्राइस में काफ़ी अच्छा फ़ोन है। जिस टाइम पे लॉन्च हुआ था उस टाइम पे इसका प्राइस 8,000 रुपये था, लेकिन अभी भी इसका प्राइस 9,000 रुपये है। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो भाई आगे आपको जरूर बताकर जाऊंगा आपको करना है नहीं करना। देख लीजिएगा, HD हाई को सपोर्ट करता है। जी हाँ दोस्तों, HD+ हाई को ये सपोर्ट करता है। मैक्सिमम ग्राफिक्स आपको इसमें मिल जाएंगे। अगर आप स्मूथ पर खेलोगे तो स्मूथ में आपको अल्ट्रा का ऑप्शन मिल जाता है। चलिए TDM के बाद एक क्लासिक मैच भी लगाएंगे, क्लासिक मैच में दिखाएंगे आपको कैसी परफॉर्मेंस फोन देने वाला है। तो फोन का वेरियंट मैंने आपको बताया दिया, 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ वाला वेरियंट है, जिसमें आप गेम प्ले देख रहे हो। अगर बात करें इस फोन की बैटरी की, तो इस फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा खासा बैकअप भी दे देती है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस फोन को बार बार चार्ज करना नहीं पड़ेगा अगर आप इसमें गेमिंग करते हो, तो भी अगर आप नॉर्मल यूज करते हो तो आपकी बैटरी काफ़ी अच्छे चलने वाली है। चलिए आगे वीडियो बने रहिए, आपको पसंद है तो लाइक करके जरूर जाना। मेरे बैटरी आपको बता दी। अगर बात करें इसी फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इस फोन में आपको प्रोसेसर दिया गया है, MediaTek का हीलियो G70 का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है अपने इस प्राइस में। जी हाँ दोस्तों, 8,000-9,000 में काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, और जिस टाइम पे फोन लॉन्च हुआ था उस टाइम पे तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर था। हालांकि आज भी काफ़ी अच्छे से आपको गेमिंग करा देता है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो गेम प्ले में कोई दिक्कत नहीं है, गेम प्ले काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेता है रियलमी C3। और भाई अपने इस प्राइस में तो काफ़ी अच्छा फ़ोन ये मुझे लगता है पर्सनली। मैंने इसे काफ़ी टाइम से यूज भी कर रहा हूँ इसी फ़ोन को, तो यूज़ करने के बाद भी आपको बता रहा हूँ इसमें पबजी भी चलता रहता है बार बार, तो भाई फिर भी आप देख सकते हो गेम प्ले काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, और आपने रियलमी C3 यूज़ किया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आगे बने रहिएगा, आगे क्लासिक मैच लगाएंगे, क्लासिक मैच में आपको दिखाएंगे फोन कैसी परफॉर्मेंस देने वाला है। तो भाई TDM मैच के अंदर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं मिल रही है। हाँ, जायरोस्कोप डिले है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अगर आप एक जायरोस्कोप प्लेयर हो तो भाई आपके लिए तो फोन थोड़ा वीक है, क्योंकि भाई आप इसमें जायरोस्कोप अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूज़ करना चाहते हो, आपका बजट 9,000, 10,000 या 8,000 है, तो भाई आपको 8,000 में मिल जाएगा। इसका 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ वाला जो वेरियंट है वो आपको 8,000 में मिल जाएगा। चलिए क्लासिक मैच स्टार्ट कर लिया है, तो इसमें आपको दिखाने वाले कोई दिक्कत मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। हालांकि मुझे नहीं लगता इसमें भी आपको कोई दिक्कत मिलेगी। तो देख लीजिएगा, ग्राफिक्स फिर से आपको दिखा देता हूँ, स्मूथ प्लस अल्ट्रा भी ये सपोर्ट करता है, HD+ हाई का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो जायरोस्कोप इसमें भी ऐसे वैसा ही वर्क करेगा जैसा आपको TDM मैच में मिल गया था। जी हाँ दोस्तों, जायरोस्कोप में ज़्यादा सुधार नहीं मिलेंगे। अगर कोई अपडेट आता तो हो सकता है उसके बाद में थोड़ा बहुत सुधार और आ जाएं, लेकिन भाई जायरोस्कोप इसका परफेक्टली ठीक नहीं होगा, ये मैं आपसे बोल देता हूँ, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम नहीं है, एक हार्डवेयर प्रॉब्लम है। अगर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होती तो भाई ये अब तक ठीक हो चुकी होती, क्योंकि रियलमी C3 में अभी कई अपडेट आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिए। भाई प्राइस मैंने आपको स्क्रीन पर भी दिखा दिया, चलिए देख लीजिएगा, स्क्रीन पर प्राइस मैंने आपको दिखाई दिया है। तो 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ वाले वेरियंट का प्राइस इसका 8,000 रुपये है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो भाई बिल्कुल खरीद सकते हो, आज भी काफ़ी अच्छा फोन है अपने इस प्राइस में। अगर आप नॉर्मल यूज के लिए खरीदते हो तो भी भाई काफ़ी अच्छा फोन है, इससे अच्छा फोन आपको नहीं मिलेगा।
हालांकि और भी एक दो फ़ोन हैं जो अभी आ चुके हैं, मैं एक कोशिश करूंगा आपके लिए एक वीडियो ले आऊं कि भाई आपको बता पाऊं 10,000 के भीतर ही भीतर आपको कौन कौन से बेस्ट फ़ोन मिल जाएंगे या 8,000 में आपको कौन से फ़ोन खरीदने चाहिए। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं वीडियो जल्दी ले आऊँगा। चलिए आगे बने रहिएगा, अपने प्राइस में बेस्ट फ़ोन है रियलमी C3। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है, गेमिंग के लिए हमें परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। भाई मैंने आपको बता ही दिया है, रियलमी C3 अपने प्राइस में बेस्ट फ़ोन है गेम प्ले के लिए भी और नॉर्मल यूज़ के लिए भी। बैटरी आपको काफ़ी अच्छी दी गई है। हाँ भाई कैमरे नॉर्मल ही हैं क्योंकि भाई इस प्राइस में आपको नॉर्मल कैमरे ही मिलते हैं, तो भाई फिर भी अपने प्राइस के हिसाब से इसके कैमरे भी काफ़ी अच्छे हैं। आप पिक्चर्स क्वालिटी क्लिक करके इसे देख सकते हो अगर आपके पास में फ़ोन है तो। भाई फिर भी अपने प्राइस के हिसाब से ये बेस्ट फ़ोन है, इस बारे में आपकी क्या राय है वो ज़्यादा ज़रूरी है, आप कमेंट करके बता सकते हो हमें फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो परफॉर्मेंस देख लीजिएगा, मुझे कोई भी दिक्कत अभी भी नहीं मिल रही है रियलमी C3 के अंदर। आप आगे गेम प्ले बने रहिए, आगे मुझे कहीं कोई लैग फ्रेम ड्रॉप मिलेगा तो आपको बताकर जरूर जाऊँगा। तो भाई ये काफ़ी अच्छी बात है, रियलमी C3 8,000 में आपको ऐसी परफॉर्मेंस देने वाला है, तो आपको लैग नहीं मिलते, फ्रेम ड्रॉप नहीं मिलते। अगर आपका नेट सही है, आपका पिंग सही आता है तो फिर भी आप इसमें काफ़ी अच्छे से गेमिंग कर सकते हो। मीडियाटेक हेलियो G70 आपको काफ़ी अच्छे तरह से पबजी को हैंडल करा देता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हो। तो भाई रियलमी C3 मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है अपने इस प्राइस में, आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए दोस्तों गेम प्ले को लास्ट तक देखकर जरूर जाना, आगे मुझे कोई भी दिक्कत मिलेगी तो आपको बताकर जरूर जाने वाला हूँ।